धोखा हर किसी के जीवन में आ सकता है, इसलिए लोग हमेशा सावधान रहने की सलाह देते हैं। असली समस्या तब शुरू होती है जब हम अच्छे व्यक्तियों पर शक करते हैं और धोखेबाजों पर भरोसा कर बैठते हैं। धोखेबाज अक्सर अच्छाई का नकाब ओढ़े रहते हैं, जिससे उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। कई बार सावधान रहने के बावजूद भी हम धोखा खा जाते हैं। ऐसे में धोखा खाने वाले की गलती नहीं होती, क्योंकि उन्हें धोखेबाज की असली निशानियां नहीं पता होती। आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें स्वयं भगवान बुद्ध को धोखा मिला था। इसके बाद उन्होंने धोखेबाज व्यक्तियों की 7 खास निशानियों के बारे में बताया, जो हमें उनकी असलियत पहचानने में मदद करती हैं। एक समय बुद्ध अपने एक शिष्य पर बहुत भरोसा करते थे। वह शिष्य बुद्ध के सबसे नजदीकी शिष्यों में से एक था और बुद्ध उसकी हर बात पर आंख बंद करके विश्वास करते थे। हालांकि बुद्ध को कभी यह नहीं पता चला कि वह शिष्य किस गांव का है, कहां रहता है और क्या करता है, लेकिन फिर भी बुद्ध ने उस पर कभी संदेह नहीं किया, क्योंकि वह शिष्य पूरी निष्ठा से बुद्ध की सेवा करता था। एक दिन बुद्ध भोजन कर रहे थे और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने अपने शिष्य को राजवैद्य को बुलाने के लिए भेजा। राजवैद्य ने बुद्ध की जांच की और औषधि दी, जिससे कुछ समय बाद बुद्ध ठीक हो गए। लेकिन बुद्ध के मन में एक सवाल था, इसलिए उन्होंने राजवैद्य से पूछा कि उन्हें क्या हुआ था। राजवैद्य ने जवाब दिया कि बुद्ध को भोजन में विष दिया गया था। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी भिक्षु चौंक गए और यह जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर यह कृत्य किसने किया। जांच के दौरान पता चला कि उस दिन बुद्ध के भोजन को तैयार करने में उस शिष्य का हाथ था। जब यह सच्चाई सामने आई तो आश्रम में सभी भिक्षुओं को बहुत गुस्सा आया। वे उस शिष्य को दंडित करने की सोचने लगे, लेकिन बुद्ध ने शांति बनाए रखी और इस घटना से सभी को धोखेबाजों की निशानियों के बारे में बताया। पहली निशानी, दोहरा चरित्र। धोखेबाज व्यक्ति दूसरों के सामने अच्छा दिखने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वह चालाक और स्वार्थी होता है। दूसरी निशानी, झूठे वादे। ऐसे लोग अक्सर बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन समय आने पर वे अपने वादों को कभी पूरा नहीं करते। तीसरी निशानी, आंखों में आंखें डालकर बात न करना। धोखेबाज लोग अक्सर अपनी सच्चाई छिपाने के लिए आंखों में आंखें डालकर बात करने से बचते हैं। चौथी निशानी, आपकी बातों को मोड़ने की कोशिश। जब आप ऐसे लोगों से कोई बात करते हैं तो वे हमेशा आपकी बातों को घुमाकर विषय बदल देते हैं। पांचवी निशानी, हमेशा व्यस्त रहने का बहाना। धोखेबाज लोग कभी आपके लिए समय नहीं निकालते जब तक कि उन्हें आपसे कोई स्वार्थ ना हो। वे खुद को हमेशा व्यस्त दिखाते हैं, लेकिन जब उन्हें आपसे काम होता है तो वे तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। छठी निशानी, आपको दुख पहुंचाने का आनंद। ऐसे लोग हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि आपको किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। आपकी उन्नति और खुशियों में वे खुश नहीं होते। सातवीं निशानी, आपके लिए कोई स्थान नहीं। धोखेबाज व्यक्ति के जीवन में आपके लिए कोई खास स्थान नहीं होता। वे आपकी परेशानियों और दुखों से अनजान रहते हैं और केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। यदि आप भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई इन 7 निशानियों को ध्यान में रखकर अपने जीवन में लोगों का चयन करेंगे तो यकीन मानिए, आपको धोखा खाने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। जीवन में धोखेबाज व्यक्तियों से दूर रहना ही सबसे अच्छा उपाय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अपने स्टोरी टाइम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।